रोजगार जीएसके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये वेरियस पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसमें आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 DEO स्टेनो जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहां से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। देखिए फॉर्म का आवेदन चालू हो गया है 5 अक्टूबर 2023 से, जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 143 हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी कैटेगराइज की गई है, जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ आपको जो है कि 1 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर से या RTI से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपका जैसे ओ लेवल हो गया वो भी अगर आपका है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, मिनिमम एज देखिए 21 साल, मैक्सिमम एज जो है कि 30 साल, और जो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको जो है कि कैटेगरी वाइज जो उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां से हम फॉर्म के अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहां पे देखिए अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन को जो कि रीड कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है कि अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चर कोड को इसमें टाइप करेंगे, जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो हमने मोबाइल नंबर फिल किया था, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें OTP प्राप्त हो चुकी है। OTP को हमने फिल कर दिया है, कैप्चर कोड को इसमें फिल कर दिया है और उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म देखिए ओपन हो चुका है। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन हमें जो फिल करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। मिडिल नेम है तो आप उसे फिल करेंगे, अन्यथा उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। लास्ट नेम आप इसे जो फिल करेंगे और यहाँ पे देखिए रिलेशन टाइप बताएंगे, मदर का नेम फिल करना चाहते हैं, फादर का नेम, हस्बैंड का नेम, जिसकी शादी होगी वो हस्बैंड सेलेक्ट कर सकता है, तो हम फादर नेम फिल करेंगे तो फादर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फादर नेम फिल करेंगे और मिस्टर या श्री ETC कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिंपल फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। नेशनलिटी में देखिए इंडियन सेलेक्ट है। ईमेल आईडी को फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि आप निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पे देखिए यस करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका जो है कि निवास सर्टिफिकेट जो है कब इशू हुआ था उसकी डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपनी कैटेगरी बताएंगे कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने OBC सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट से जो है कि जारी हुआ है आप उसे जो है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट टाइप तो कितना है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, आप उसे जो है कि फिल करेंगे। अब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसकी डेट यहाँ मेंशन करेंगे। सेम इसी तरीके से आप SC हैं तो SC के लिए, ST है तो ST के लिए आप जो डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जनरल है तो देखिए जनरल का कोई भी जो है कि कास्ट नहीं होता है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे, सारा ऑप्शन देखिए डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी को आपको सिर्फ जनरल देखने को मिल जाएगी, तो अदर स्टेट वाले छत्तीसगढ़ निवासी जहाँ पूछा गया रेसिडेंट है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर देंगे और जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं यहाँ पे जो कि यस करके अपनी कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए अदर स्टेट है तो जनरल सेलेक्ट होगा, इन्हें किसी भी प्रकार कोई रिजर्वेशन नहीं किया मिलता है और जो कि जनरल में काउंट किया जाता है अदर स्टेट के लिए। यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे, मेल है या फीमेल, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। आप यहाँ पे बताएंगे टेम्परेरी है, रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, इस तरीके से आप डिटेल को फिल करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर सर्वेंट हैं गवर्नमेंट तो यहाँ पे NOC भी आपको डिटेल फिल करने पड़ेगी, क्या है आपके पास जो है कि NOC है या नहीं है।
सिंपली हम यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब इशू डेट, जो सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ उसकी डेट यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से फिल करेंगे। अब दिव्यांगता भी बताएंगे, जैसे परमानेंट है मतलब दिव्यांग है या टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए अगर दिव्यांग है तो वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट है तो परमानेंट, इसमें जो परसेंटेज आप फिल करेंगे कितने परसेंट आपकी दिव्यांगता है। अगर आप दिव्यांग नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया पोस्टल एड्रेस, जिसे हम प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, यहाँ पे स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यूपी से करते हैं, जिस भी स्टेट से करते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे, आप पिन कोड को फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, ये वाला सारा डाटा इसमें कॉपी हो जाएगा। अगर आप अलग अलग फिल करना चाहें तो आप दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। आगे उसकी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसे एस करने के बाद। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे अपना मैरिड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे और उसको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल हमें फिल करनी है। डाटा को हमने पहले डेमो पर्पस के लिए फिल कर लिया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे देखिए क्लास 10th की डिटेल आपको फिल करनी है, आप अपने बोर्ड का नेम आपको फिल करना है, पासिंग ऑफ ईयर आप बताएंगे, परसेंटेज था, CGPA या ग्रेड जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा परसेंटेज था तो हमने परसेंटेज भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कितने नंबर आपको मिले थे क्लास 10th में इसे, और टोटल मार्क्स आपके कितने थे, 600 में से हमें 340 नंबर मिले थे। तो आप जो फिल करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट हो जाएगा। सेम आप जो क्लास 12th की डिटेल फिल करेंगे, अपने बोर्ड का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, क्लास 12th कब आपने पास की थी उसका ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज आप बताएंगे, आपका CGPA था, ग्रेड था या अदर कोई था। तो हमारा परसेंटेज था तो हमने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें 500 में से 306 नंबर मिले हैं। ऑप्टेन मार्क्स मतलब कितने आपको प्राप्त हुए हैं, टोटल मार्क्स मतलब कितने आपके थे, और यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डिटेल आपको फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पे हमने अपने बोर्ड का नेम फिल कर दिया है, पासिंग ऑफ ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया है, परसेंटेज मोड था तो हमने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है, ग्रेड है या CGPA तो परसेंटेज, अब कितने नंबर में मिले थे और मैक्सिमम मार्क्स कितना आपका था, परसेंटेज यहाँ पे हमारा देखिए कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल अगर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का नेम, पासिंग ऑफ ईयर और यहाँ पे बताएंगे CGPA था, परसेंटेज था या ग्रेड था, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें कंप्यूटर एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पे हमें एक चीज बताना है कि अंडर गोन एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन बताएंगे, बोर्ड का नेम बताएंगे, पासिंग आपने कब कंप्लीट किया तो उसे, और रिजल्ट मोड में बताएंगे CGPA था, ग्रेड था या जो कि आपका परसेंटेज था, परसेंटेज है तो परसेंटेज कितने नंबर आपको मिले थे, टोटल कितने नंबर का था, आपका कितना परसेंटेज जो है कि कैलकुलेट हो जाएगा। अब आगे जो आपको बताना पड़ेगा कि अब आप कोई पास है एनी टाइपिंग एग्जामिनेशन, अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे जो है कि टाइपिंग आपको बतानी पड़ेगी कौन सा पास है, जैसे आप इंग्लिश टाइपिंग आपकी अच्छी है, हिंदी टाइपिंग है या दोनों, तो जो भी आपकी टाइपिंग है आप अपने अकॉर्डिंग से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है तो हम इंग्लिश यहाँ फिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जब भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया होगा तो वहाँ पे आपको टाइपिंग की भी नॉलेज दी जाती है, तो यहाँ पे देखिए अगर इंग्लिश है 25 वर्ड पर मिनट है आपकी, की 30 वर्ड पर मिनट है कि 40 या 50 या 50 से अबव है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे बताएंगे। यहाँ पे जो है कि आप अपने बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ फिल करेंगे, यहाँ ईयर ऑफ पासिंग आप फिल करेंगे और यहाँ पर टाइपिंग अपनी स्पीड बताएंगे। आप बताने के बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में करेस्टेक्टिस इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। आपको कभी अरेस्ट किया गया है, यहाँ पे यस या नो में ऑप्शन दे सकते हैं आप, या आपको कभी मुकदमा चलाया गया, आपके ऊपर कभी मुकदमा चलाया गया तो यस या नो में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है, थर्ड वाला पॉइंट। इस तरीके से आप चीज़ों को एक बार रीड करेंगे, उसके बाद जो है कि चीज़ों को जो है कि फिल करेंगे। तो इसको एक बार आप अवश्य रीड कर लीजिएगा। क्या आप पर कभी किसी न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है, यस या नो में आप इसे फिल करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार आप इसे अवश्य रीड करेंगे कि ये सिर्फ आपके क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। हमने सारे ऑप्शन को रीड करके फिल कर लिया है, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में देखिए डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे अपना। सबसे पहले फोटो अपना अपलोड करेंगे जो कि आपका जेपीजी फाइल में रहना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे जो कि जेपीजी फाइल में अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि आपका देखिए पीडीएफ में रहना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसे अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल में, यहाँ पे देखिए क्लास टेंथ की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों से जो भी आपके पास है आप इसे अपलोड करेंगे, क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट आप उसे अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल में। यहाँ पर देखिए हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की थी इसीलिए हमारे पास जो है कि कास्ट और जो है कि डोमिसाइल जो कि नहीं आ रहा है, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। अगर आप हमने अदर स्टेट से सेलेक्ट किया है, अगर वहीं आप जो है कि छत्तीसगढ़ से अप्लाई करते हैं, यहाँ वहाँ के निवासी है, तो आपको जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल निवास और जाति आपको दोनों अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अदर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे मेंशन करके चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसे अपलोड करेंगे। सारा डाटा को अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने अपना सारा डाटा देखिए अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक करके आप जो कि दोबारा अपलोड कर सकते हैं। सारा डाटा हमारा ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे, फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। हमने सिक्योरिटी रीजन से चीजों को हाइड कर दिया है, आप अपना एक्चुअल डाटा मिला लें। सारा डाटा मैच कराने के बाद अगर फॉर्म में कोई आपको त्रुटि लग रही हो तो यहाँ पर देखिए एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा, तो हम फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म देखिए फाइनल सबमिट हो चुका है। किसी भी कैटेगरी के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है। फाइनल सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रिंट सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।